हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं SJVN शेयर के बारे में। ओनली 35 रुपीज में स्टॉक का प्राइस मिल रहा है, क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है, टारगेट क्या रहेगा, पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों 5 डे की चार्ट पैटर्न में कंपनी अच्छा रिटर्न दिया है, 1 मंथ की चार्ट पैटर्न में अच्छा रिटर्न, 6 महीने की चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हो कंपनी डाउनफॉल दिया है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, कंपनी 45% की सिर्फ रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आओगे 500,000 2,000 रुपया लगाकर आपको अच्छा डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर सकता है। ये जो कंपनी है लिस्टिंग हुआ था 2010 में 24 रुपए करके, और अभी कितना 35 रुपीज में मिलता है, यानी ओनली 45 रुपीज कंपनी दिया है, रिटर्न दिया है, लेकिन अच्छा डिविडेंड आपको कंपनी दे सकता है। अगर हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का डिटेल्स। तो यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे तो यहाँ पर 2023 का रिजल्ट अवेलेबल है, रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, नेटवर्थ देखेंगे तो नेटवर्थ में भी हम लोग को ग्रोथ नजर आ रहा है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है और जो लोग इस शेयर को बाय किए उनके लिए अच्छा है बात है, अच्छा बात है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे किसके पास कितना होल्डिंग है, तो 86% प्रमोटर रखे, रिटेल इन्वेस्टर के पास 7.42 है, म्यूचुअल फंड के पास 3.990 है और फॉरेन इन्वेस्टर 1.75 रखे हैं, और डोमेस्टिक वालों के पास भी यहां पर आप देख सकते हो करीबन 0.16 है। तो ये पैरामीटर हम लोग को सही नजर आ रहा है। अगर आप एक शेयर ढूंढ रहे हो 50 रुपए से नीचे, पेनी शेयर आपको अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करेगा, तो ये शेयर आपके लिए SJVN अच्छा रहेगा। आप इस शेयर को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आपको अच्छा डिविडेंड मिल जाएगा। अगर हम लोग कंपनी का डिटेल्स देखेंगे, BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है, 14,000 करोड़ का अच्छा मार्केट कैप रखा है, स्टॉक भी सही है, बुक वैल्यू से ऊपर से मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड 4.75% की देता है, ROCE भी पॉजिटिव, फेस वैल्यू 10 का है, कर्जा 14,000 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व आप देखोगे 9,930 करोड़ का रखा है, और टोटल एसेट देखोगे 32,000 करोड़ का है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश नहीं रखा है, प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, लेकिन अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेटो पॉजिटिव, डिविडेंड देता है, डेट टू इक्विटी 1.01 है। नीचे जाएंगे देखेंगे पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी काम करता है, NTPC अदानी ग्रीन जिस फील्ड में वही फील्ड में काम करता है, 8 नंबर पर कंपनी आता है। आप देखोगे तो कंपनी का सेल ग्रोथ पॉजिटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, सीजर पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव। एसेट देखोगे एसेट में दोस्तों हम लोग को ग्रोथ नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो आगे माइनस था अभी पॉजिटिव है, होल्डिंग हम लोग पहले से देख चुके हैं। तो हम लोग को क्या नजर आया, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है लेकिन अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पर अगर 2,000, 5,000, 10,000 लगाओगे आपको अच्छा डिविडेंड मिल जाएगा। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।